तो चलिए नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नर्सिंग बूस्टर पे। जैसे कि पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे इन्फ्लामेशन एंड वुंड हीलिंग के बारे में, बट कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हम उस क्लास को पूरा नहीं कर पाए थे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, जो कुछ बची हुई इसकी थ्योरी और कंसेप्ट है, उनको हम आज पूरा कर पाए। चलिए इसके साथ में ही आज हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में जहाँ तक हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था जो वुंड हीलिंग होती है उसकी फेजेस के बारे में। सो वुंड हीलिंग की फेजेस के बारे में हमने जो पढ़ा था कि कौन कौन सी फेजेस होती है मेनली, चलिए वुंड हीलिंग की फेजेस के बारे में बात करें तो हमने मेनली बात की थी कि जो मेनली वुंड हीलिंग की होती है वो आपके चार फेजेस होती है, ठीक है, जिसकी ट्रिक हमने बनाई थी हाई पीएम। ओके, तो चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ओके नो वरी। हाई पीएम में एच मींस क्या था आपके, बताइए एच मींस क्या था आपकी, हीमो स्टेसिस फेज, ठीक है। एच मींस क्या थी आपकी, हीमो स्टेसिस फेज। एंस आई मींस आपकी क्या थी, इन्फ्लामेटरी फेज। आई मीन्स आपकी क्या थी, इन्फ्लामेटरी फेज, ठीक है। एंड पी मीन्स आपकी प्रोलीफेरेटिव फेज। पी मीन्स आपकी क्या थी, प्रोलीफेरेटिव फेज। एंड एम मीन्स आपकी क्या थी, मैच्यूरेशन फेज। एम मीन्स आपकी थी मैच्यूरेशन। तो ये तो आपको याद रहेगी पहले की जो एच और आई में है, हीमोस्टेसिस और इन्फ्लामेटरी, ये दोनों फेज आपको याद रहेगी। बट जो प्रोलीफेरेशन और मैच्यूरेशन है, इन दोनों के दो दूसरे नाम भी होते हैं। प्रोलीफेरेटिव को अपन क्या बोलते हैं, प्रोलीफेरेटिव को अपन बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। ओके, सो प्रोलीफेरेटिव को अपन क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन फेज। जबकि जो आपकी मैच्यूरेशन फेज है, मैच्यूरेशन फेज को हम क्या बोलते हैं, रीमॉडलिंग फेज, ठीक है। मैच्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, रीमॉडलिंग फेज। सो अगर आपको कभी ये डाउट आए कि अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन हो क्वेश्चन में कि आपकी रिकंस्ट्रक्शन कौन सी, प्रोलीफेरेटिव होगी या मैच्यूरेशन होगी, तो आप इसको याद रखना, मैच्यूरेशन में एम है तो रीमॉडलिंग में भी एम है, तो रीमॉडलिंग कौन सी होगी आपके, मैच्यूरेशन फेज, ठीक है। ये तो इनके नामों के बारे में हो गया। अब हम अगली बात करते हैं, अगली हम बात करते हैं कि क्या क्या होता है इन फेजेस के अंदर, इन फेजेस में होता क्या क्या है। तो पहली हम बात करें हीमोस्टेसिस, नेक्स्ट वन आपकी थी इन्फ्लामेटरी, उसके अगली थी आपकी कौन सी फेज, प्रोलीफेरेटिव फेज, एंड उसके अगली थी आपके मैच्यूरेशन फेज। तो आपकी जो एच मीन्स हीमोस्टेसिस फेज होती है, हीमोस्टेसिस फेज में आपके क्या होता है, आपकी जहां पर भी इंजरी हुई है, जहां पर भी आपका वुंड है, वहां पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके होगा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा आपके जहां पर भी इंजरी हुई है। और ये जो फेजेस का अगर आपको टाइम पूछ ले कि जो हीमोस्टेसिस फेज है या जो आपके वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की फेज है, इस वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन को एक चीज और आप याद रखना, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट, क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इसको हम और क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। तो इसका जो टाइम होता है ये इमिडिएटली कुछ टाइम में होती है, जब तक आपके ब्लीडिंग होती है तो ये क्या करती है, जहां पर भी वुंड हो रखा है या जहां पर भी इंजरी हो रखी है वहां पर ये क्या करेगी, ये आपके उस जो ब्लीडिंग हो रही है उस ब्लीडिंग को रोकने का काम करेगी, क्या काम करेगी, उस ब्लीडिंग को रोकने का काम करेगी, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट फेज कभी पूछ ले कि विच इज द फर्स्ट फेज ऑफ वुंड हीलिंग, तो आप क्या कहोगे, ट्रांजिएंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। चलिए इसके बारे में बात हो गई, नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं इन्फ्लामेटरी के बारे में। सो इन्फ्लामेटरी फेज में क्या होता है आपके,
इन्फ्लामेटरी फेज का जो मेनली सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं कि जो टाइम होता है वो आपके टाइम कितना होता है, 4 डे का, 4 दिन का टाइम होता है आपकी इन्फ्लामेटरी फेज का। इन्फ्लामेटरी फेज में आपके क्या होता है कि जो आपकी न्यूट्रोफिल है, कौन आपकी न्यूट्रोफिल, आपकी मैक्रोफेजेस, ठीक है, आपकी न्यूट्रोफिल और आपकी मैक्रोफेजेस, ये आपके जो भी इंजरी साइट है वहां पे आके और आपकी जो साइट है उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगी, ठीक है। तो ये आपकी मेनली कौन सी होती है, इन्फ्लामेटरी फेज। थर्ड वन आपके कौन सी होती है, प्रोलीफेरेटिव फेज। प्रोलीफेरेटिव फेज की अगर मैं टाइम की बात करूं कि कितने टाइम के लिए होती है, तो उसका जो टाइम होता है वो आपके होता है 2 वीक, ठीक है। इसका टाइम कितना होता है, 2 वीक। इसके दौरान क्या होता है कि जो आपकी स्किन पे जो आपकी इंजरी साइट है वहां के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो ग्रेन्यूल्स एक्टिवेट होते हैं एंड वहां पर जो भी नेक्रोटाइज्ड टिश्यू वगैरह है, ठीक है, उन सबको ये जो भी जिसको हम बोलते हैं ना डेब्राइडमेंट, डेब्राइडमेंट तो क्या होता है कि अपन आर्टिफिशियली जो नेक्रो जो भी डेड सेल है उनको अपन रिमूव कर रहे हैं, बट जो आपकी ग्रेन्यूल्स है वो आपके क्या करते हैं, नॉर्मली जो भी आपके टिश्यू वगैरह हैं, डेड सेल वगैरह हैं, उनको रिमूव करते हैं। तो ये आपकी फेज होती है प्रोलीफेरेशन फेज। और इस प्रोलीफेरेशन फेज को अपन और क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन फेज, ठीक है। नेक्स्ट वन जो आपकी आपकी लास्ट होती है वो आपके होती है आपकी मैच्यूरेशन फेज। और मैच्यूरेशन फेज का टाइम कितना होता है, यह आपके 24 डेज टू लेके कुछ मंथ या ईयर तक हो सकती है, ठीक है। ये आपके क्या होती है, मैच्यूरेशन या रीमॉडलिंग फेज। तो ये मेनली आपकी 4 फेजेस होती है वुंड हीलिंग। तो आई होप आने वाले किसी एग्जाम में आपको ये या इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अपन वापस आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो ये आपकी है मेनली, अगर मैं बात करूं, ये हीमोस्टेसिस है, ठीक है। इसकी अपन ने बात कर ली थी, इसका टाइम कितना होता है, ये जस्ट इमीडिएट होती है। इन्फ्लामेशन थी, इसका टाइम होता है आपके 4 डे, हीलियम वगैरह है वो वापस बनेगी। तो ये आपकी होगी रीमॉडलिंग फेज। तो चलिए अगला अपन बात करते हैं, अगली क्वेश्चन क्या है आपके, ओके। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि वुंड डेहिसेंस प्राइमरली टेक प्लेस ड्यूरिंग विच फेज ऑफ वुंड हीलिंग। कि जो वुंड डेहिसेंस, तो देखिए वुंड डेहिसेंस क्या होता है, जैसे हमने बात की थी, सॉरी अभी नहीं की थी, तो वुंड डेहिसेंस क्या होता है, आप दो चीजें, दो वर्ड याद रखना बच्चों, जो वुंड डेहिसेंस होता है और एक होता है वुंड एविसेरेस। मैं गारंटी तो नहीं लेता, बट जहां तक जिस मैंने एग्जाम देखे हैं, जितने एग्जाम देखे हैं, तो जो भी स्टैंडर्ड एग्जाम होते हैं, सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, उसके हर एग्जाम में आपको इन दोनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या मिलता है, बहुत इजी क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि इनका जो कंसेप्ट है वो बहुत इजी है। दो ही चीजें आपको याद रखनी है, पहली चीज तो जो वुंड डेहिसेंस है ना, जो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो वुंड डेहिसेंस है वो आपको मेनली सबसे पहले कौन सी फेज में, जो वुंड हीलिंग हो रही है उसकी कौन सी फेज में आपको वुंड डेहिसेंस देखने को मिलता है। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको कि वुंड डेहिसेंस और वुंड एविसेरेशन होता क्या है। सो वुंड डेहिसेंस की मैं अगर बात करूं, तो वुंड डेहिसेंस आपके क्या होता है कि आपका अगर कोई भी वुंड है, ठीक है, वहां पे आपने क्या कर रखी है, सुचरिंग कर रखी है, ओके। सो किसी प्रेशर की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से अगर आपके वहां से सुचर ओपन होके और वो जो वुंड के दो एजेस हैं वो दोनों अगर एक दूसरे से दूर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वुंड डेहिसेंस, ठीक है। अगर केवल वुंड के जो एजेस हैं वो अगर केवल ओपन हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वुंड डेहिसेंस। बट अगर वो दोनों एजेस ओपन होके और आपके जो इंट्रा
ऑर्गन है जो उस वुंड के अंदर के ऑर्गन है वो अगर वहां से बाहर निकल जाए, क्या अगर दोनों एजेस ओपन होके और जो अंदर के ऑर्गन है वो अगर बाहर निकल जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एविसरेशन। ठीक है, एक इमेज से अपन देखते हैं। चलो इमेज नहीं है। अच्छा, इसकी हमने ये बात कर ली थी कि जो वुंड डिहिसेंस है इसमें क्या हो रहा है, आपके जो एजेस हैं वो क्या हो रहे हैं, सिर्फ ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तब तो इसको बोल रहे हैं डिहिसेंस। और एविसरेशन मतलब, एविसरेशन ऐसे याद रखोगे, एविसरेशन मतलब बाहर आ गया, एवी बाहर आ गया, एविसरेशन मतलब एवी बाहर आ गया। ठीक है, तो ये जो अंदर का ऑर्गन है या अंदर के कुछ भी हैं वो अगर बाहर आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपके कुंड एविसरेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ये अपन ने कर लिया, ये भी अपन ने कर लिया। चलिए ये क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एडिमा डेवलप्स इफ प्लाज्मा एल्बुमिन फॉल्स बिलो। ठीक है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपका। ये कंसेप्ट है आपका किसके बारे में, ये कंसेप्ट है आपका एडिमा के बारे में। ठीक है, अगर कोई बेसिक बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम ये क्लास देख रहे हैं, जिन्होंने इतनी पढ़ाई नहीं कर रखी, तो मैं उनको बता दूं एडिमा क्या होता है आपके। एडिमा जो आपके होता है वो होता है कि आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे जो स्वेलिंग आ जाती है ना, स्वेलिंग आ जाना फ्लूड एक्यूमुलेशन की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं। ठीक है, अब ये एडिमा कई टाइप का होता है। जस्ट लाइक अगर मैं बोलूँ जो जनरलाइज्ड एडिमा होता है, ठीक है, मतलब जनरलाइज्ड का मतलब क्या, अगर आपकी कंप्लीट बॉडी पे है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एना सारका। ठीक है, एना सारका, ओके। एंड अगर वो आपकी लोकलाइज्ड हो सकता है सिर्फ आपके हाथ पे आ रहा है या आपके पैरों में आ रहा है, ठीक है, तो वो लोकलाइज्ड होता है। एक आपके और मेनली एक होता है पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा में क्या होता है कि आपके स्वेलिंग आ रखी है, आप अगर उस पर प्रेशर रखोगे, अपनी फिंगर रखोगे, तो पिटिंग का मतलब क्या होता है, वहां गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, पिटिंग का मतलब क्या है, वहां पे गड्ढा बन जाएगा, डेट इज कॉल्ड पिटिंग एडिमा। तो ये एडिमा के कुछ टाइप होते हैं। अपन एडिमा की पे तो थोड़ी फिजियोलॉजी देखते हैं कि एडिमा होता क्यों है। सो मेनली आपकी क्या होती है, ये जो ब्लड वेसल्स, ठीक है, इस ब्लड वेसल्स में क्या होता है, आपका ब्लड होता है, और ब्लड के अंदर क्या होता है, आपके कंपोजिशन में एक पार्ट होता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के अलावा भी मिनरल्स वगैरह होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, ऑक्सीजन होती है, बट आपके ब्लड में एक क्या होती है, प्रोटीन। प्रोटीन मेनली कितने टाइप की होती है आपके ब्लड में, एक होती है एल्बुमिन, एक आपके होती है ग्लोबुलिन, और एक आपके होती है फिब्रिनोजन। कौन सी, फिब्रिनोजन। तो जो एल्बुमिन है ना, एल्बुमिन का मेन काम क्या होता है, एल्बुमिन का मेन काम होता है ऑन पोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। तो ये जो चीज है ना, इसको आप जितने स्टार लगाओ उतने स्टार कम है। क्यों, क्योंकि ऑलमोस्ट सब एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है। क्या क्वेश्चन आता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कैसे, या तो वो आपको पूछ लेंगे कि कौन सी प्रोटीन है जो ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, ठीक है, या आपके क्या पूछेंगे, आपके एल्बुमिन, ऑन्कोटिक प्रेशर और एडिमा का जो रिलेशन है वो पूछेंगे। अब इसके रिलेशन के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो मेनली जो क्या होती है, एल्बुमिन होती है वो ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। तो जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको सिंपली बताऊं। तो ऑन्कोटिक प्रेशर में क्या होता है कि ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर ब्लड है, इसके अंदर आपकी प्रोटीन है, ठीक है, यहाँ आपकी क्या है, ये आपकी सेल है, और ये आपका क्या है, इंटरस्टीशियल स्पेस। ठीक है,
अब होगा क्या कि प्रोटीन की वजह से एक प्रेशर लगेगा, ओनकोटिक प्रेशर। ये ओनकोटिक प्रेशर क्या करता है? ओनकोटिक प्रेशर आपके मेनली काम करेगा कि जो भी बाहर का फ्लूड वगैरह होगा, जो भी बाहर के न्यूट्रिएंट वगैरह होंगे, उनको ये ब्लड वेसल्स के अंदर लाने का काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा? ओनकोटिक, ये जो भी बाहर होता है ना इंटरस्टीशियल स्पेस में जो फ्लूड वगैरह होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, उनको कहते हैं कम बेबी कम। ओनकोटिक, ओनकोटिक मतलब कम, मतलब ये इंट्रा सेलुलर से या इंटरस्टीशियल स्पेस से एक्स्ट्रा सेलुलर, या अगर मैं बात करूं एक इंट्रा वास्कुलर, है ना, वास्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर, तो ये बाहर से ब्लड वेसल्स के अंदर लाने का काम करता है। ओनकोटिक प्रेशर होता क्या है? अगर जब भी ओनकोटिक प्रेशर कम होगा, ठीक है, ओनकोटिक प्रेशर जब भी कम होगा तो क्या होगा? क्योंकि ओनकोटिक प्रेशर की वजह से ये बाहर का, यहाँ का, नॉर्मली हम बात करते हैं फ्लूड के बारे में, क्योंकि हम एडिमा के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ का जो फ्लूड होगा वो क्या हो जाएगा? आपके ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगा। जब भी ओनकोटिक प्रेशर नॉर्मली था तो अंदर आ रहा था, बट जब भी ब्लड, ये ओनकोटिक प्रेशर कम हुआ तो ये जो आपका फ्लूड वगैरह है ये अंदर नहीं आएगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। कहाँ पे? इंटरस्टीशियल में, और आपके जो इंट्रा सेलुलर है यहाँ पे फ्लूड क्या हो गया? आपके सब पानी पानी हो गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एडिमा। कैसे? एक बार वापस देखते हैं। आपका जो ओनकोटिक प्रेशर होता है ये मेनली क्या काम करता है? ये जो भी फ्लूड है उसको आपके ब्लड वेसल्स के अंदर लाने का काम करता है। अगर ओनकोटिक प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा? आपके ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं आएगा, बाहर एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आप आगे हम देखते हैं। ये आपके, और देखो ओनकोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन कर रहा था? एल्बुमिन। तो जब भी एल्बुमिन कम होगी तो ओनकोटिक प्रेशर भी कम होगा, और ओनकोटिक प्रेशर अगर कम होगा तो क्या हो जाएगा? आपके एडिमा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, अब अपन थोड़ी सी प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। तो अपन ने बात की थी तीन टाइप की प्रोटीन, कौन कौन सी? एल्बुमिन। चलो कोई बात, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। एल्बुमिन का काम मैंने आपको बताया, क्या काम होता है? ओनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। ग्लोबुलिन का काम क्या होता है? ये आपकी मेनली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है। ठीक है, ये अपने साथ दूसरा जो मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करती है, जस्ट लाइक हीमोग्लोबिन, है ना, बाकी और जो भी सब्सटेंस मटेरियल होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। फिब्रिनोजन का कोई स्पेसिफाइड फंक्शन नहीं है। तो जो एल्बुमिन होती है, अब इन दोनों का अगर मैं बात करूँ तो आपकी बॉडी में जो नॉर्मल प्रोटीन लेवल होता है वो कितना होता है? 6 to 8 ग्राम पर डीएल। ठीक है, 6 to 8 ग्राम पर डीएल। अब इन 6 to 8 में से जो आपकी एल्बुमिन होती है वो कितनी होती है? 3.5 to 5.5, ठीक है, ग्राम पर डीएल। ठीक है, फिर मैं बात करूं जो 200 से 300 mg per dl, नोट, ग्राम पर डीएल कितनी होती है? mg per dl। ठीक है, ये आपने बात कर ली। एल्बुमिन कितनी? 3.5 to 5.5। ग्लोबुलिन कितनी? 2.5 to 3.5। मतलब जहां से एल्बुमिन शुरू होती है ना वहां पे ग्लोबुलिन आके खत्म हो जाती है। तो एल्बुमिन ग्लोबुलिन को क्या कहता है? कि जहां पे तुम खत्म होते हो ना वहां से तो मैं शुरू होता हूँ। ठीक है, सो 2.5 to 3.5 क्या? ग्लोबुलिन। 3.5 to 5.5 क्या? आपकी एल्बुमिन। एंड 200 से 300 mg per dl आपके क्या? फिब्रिनोजन। ठीक है, ये इनका लेवल होता है। सो अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था कि एल्बुमिन का लेवल कितने से कम हो कि आपकी बॉडी में जो एडिमा है वो डेवलप हो जाता है। तो
तो अपन ने बात की थी एल्बुमिन का लेवल कितना होता है, 3.5 to 5.5, 3.5 to 5.5, ठीक है। तो इसका आंसर विल गोज टू 3.5 ग्राम पर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ के इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे आप, क्या पूछा है आपको इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में जो आपको पूछा है कि व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन वाइल ट्रीटिंग ए लेसरेशन। जब भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो कोशिश करो कि क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ही आप समझ लो, ठीक है। इसके बारे में भी हम अलग से क्लास करेंगे कि आप इजीली कैसे क्वेश्चन को कम टाइम में समझ सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि आप क्वेश्चन को क्या करो, पहले इंग्लिश में पढ़ो, फिर आप उसको हिंदी में पढ़ो, फिर आप पता लगाओगे आपको पूछा क्या है। तो अपन कोशिश करेंगे कि एक ही बार में कैसे सिर्फ आप एक बार पढ़ो और आपको वो उसकी हिंदी भी समझ में आ जाए और ये भी समझ में आ जाएगी आपको पूछा क्या, ठीक है। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं कि जो मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है। अपन से पूछा क्या क्या है नर्सिंग इंटरवेंशन, सबसे सही नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, किसके लिए जब आप ट्रीट कर रहे हो लेसिरेशन को। तो लेसिरेशन क्या होता है, लेसिरेशन एक टाइप ऑफ इंजरी होती है। तो इंजरी काफ़ी टाइप की हो सकती है, जैसे आपकी एक लेसिरेशन हो गई। लेसिरेशन का मतलब क्या होता है कि आपके किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से आप क्या कर रहे हो, अगर आपकी बॉडी के अंदर जैसे चीरा लगता है ना, आपके चीरा दो टाइप से लग सकता है, या तो आपका डॉक्टर लगा रहा है आपके, या आपने लगा लिया प्यार में, ठीक है। तो जो चीरा लगता है वो चीरा अगर किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट से लगा रहे, या तो डॉक्टर लगा रहा है या कोई सर्जन लगा रहा है, शार्प इंस्ट्रूमेंट से अगर लगा रहा है, तीखे इंस्ट्रूमेंट से, तब अपन उसको बोलते हैं इंसिजन। तब तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंसिजन। बट अगर वो आपकी वजह से लगा है, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से लगा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेसीरेशन, ठीक है। इसी टाइप से एक और इंजरी होती है जिसको हम बोलते हैं एब्रेजन, ठीक है। एब्रेजन का मतलब क्या होता है, ऊपर से छिल जाना, आपके कोई पास से निकला और आपके उसकी वॉच से या किसी चीज से एकदम चोट लगी और आपकी जो स्किन है वो स्लग ऑफ हो गई। स्लग ऑफ होना के मतलब उतर गई स्किन, ठीक है, थोड़े छुल गए आप, उसको हम बोलते हैं एब्रेजन। तो जब आप लेसिरेशन को ट्रीट कर रहे हो तो देखो एब्रेजन की कंडीशन में क्या होगी, ब्लीडिंग कम होगी, ठीक है। बट लेसिरेशन की कंडीशन में क्या होगी, आपकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, तो क्या आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए, क्या आप ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रहे हो, क्या ये सही है। एक पेशेंट आया, उसके लेसिरेशन मतलब इंजरी हो रखी है, और आते ही आप क्या कर रहे हो, उसका एकदम मस्ती से ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते, तो क्या ये सबसे एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन है। नहीं, ये तो कोई चांस ही नहीं, कोई मूर्ख ही होगा जो ये जवाब देगा। नेक्स्ट वन, एलिवेट द बॉडी पार्ट, कि जो आप जहां से ब्लीडिंग हो रही है उस पार्ट को आपने एलिवेट कर दिया। सो एलिवेशन अगर हम देखें ना, तो कहीं ना कहीं एक तौर पे आपके मेन एक रोल निभा सकता है ब्लीडिंग को कम करने में, बट नॉट मोस्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है। पार्ट को अगर आप एलिवेट कर रहे हो तो वो आपके ब्लीडिंग को कम कर सकता है, बट प्रॉपरली स्टॉप नहीं करेगा, वो आपके मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन नहीं होगा, ठीक है। अगला क्या है, अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एंड हीट। चलो बोलो, हीट अप्लाई कर रहे हो आप, हीट का मतलब भी क्या होता है, कि जब भी आप कहीं पे हीट अप्लाई कर रहे हो तो वो आपके क्या करती है, वो आपके करती है बेटा वेसो डाइलेशन, वो आपके क्या करती है, वेसो डाइलेशन। तो जब भी वैसो डाइलेशन होगा तो ब्लीडिंग तो और बढ़ेगी ना, तो आपको हीट क्यों अप्लाई करना, तो ये भी गलत जवाब होगा। तो ये तो तीनों हो गए आपके गलत जवाब। अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एंड आइस, देखो ये सबसे बढ़िया लग रहा है, कैसे कि आपके इंजरी हो रखी है और आप क्या कर रहे हो कि आपने एकदम प्रेशर ड्रेसिंग, टाइट ड्रेसिंग कर दी और वहां पे कोल्ड लगा रहे हो, कोल्ड एप्लीकेशन कर रहे हो। तो कोल्ड एप्लीकेशन क्या करेगा, C4 कोल्ड, C4 वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन,
सी फोर कोल्ड एंड सी फोर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो जब भी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, जब भी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो आपके ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो आपके इसका राइट जवाब क्या होगा, राइट आंसर विल गोज टू अप्लाई प्रेशर एंड आइस। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये आपके क्या है, ये है लेसिरेशन, ये आपके क्या है, ये है आपके लेसिरेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में अपन को क्या पूछा है कि टाइप ऑफ हीलिंग अकर्स इन ए डेक्यूबाइटिस अल्सर विच इज ट्रीटेड विथ डेब्राइडमेंट एंड मोइस्ट वॉश ड्रेसिंग। ठीक है, ये मैंने पढ़ लिया, अब आप पढ़िए, बताइए क्या जवाब होगा इसका। तो चलिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि जो हीलिंग है ना, एक आपके क्या है, डेक्यूबाइटिस अल्सर है। ठीक है, डेक्यूबाइटिस अल्सर में जब आप ट्रीट कर रहे हो उसको, और साथ में आप क्या कर रहे हो, उसका डेब्राइडमेंट कर रहे हो और मोइस्ट गोज ड्रेसिंग कर रहे हो, तो मोटा मोटी आपको यही बोला है कि आप डेक्यूबाइटिस अल्सर का ट्रीटमेंट कर रहे हो। ठीक है, इसकी जो हीलिंग होगी ना वो कौन से टाइप की हीलिंग होगी, बोलो। हीलिंग का भी कोई टाइप होता है क्या? बिल्कुल होता है। कैसे, क्या टाइप होता है, चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। हीलिंग का जो आपके मेनली टाइप होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटेंशन। आपकी मेरी इंटेंशन नहीं, हीलिंग की इंटेंशन जो होती है, तीन टाइप की इंटेंशन होती है। एक आपके कौन सी होती है, प्राइमरी, एक आपके कौन सी होती है, सेकेंडरी, और एक आपके कौन सी होती है, टर्शरी। ठीक है, कौन कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है बताओ, तीन नाम तो हो गए, तीनों में डिफरेंस क्या होता है कि प्राइमरी जो हीलिंग होती है ना, प्राइमरी जो इंटेंशन होता है, प्राइमरी इंटेंशन हीलिंग, ये जो आपके होती है, इसमें क्या होता है, कोई ऐसा वुंड जो आपने सर्जिकली बनाया, कैसे बनाया है, जो आपने सर्जिकली बनाया। तो सर्जिकली अगर कोई आप इंसिजन लगा रहे हो या कोई वुंड बना रहे हो, तो उसमें क्या होगा, उस कंडीशन में आपके पहली चीज तो आपके इन्फेक्शन का चांस कम रहेगा। सही बात है, क्योंकि आपने सर्जिकली बनाया, इन्फेक्शन का चांस कम है, वहां से ब्लीडिंग भी कम है। ठीक है, और के जो वुंड के एजेस हैं वो भी उसके पास पास है। तो प्राइमरी इंटेंशन उन टाइप के वुंड में होती है जो या तो आपने सर्जिकली बनाए हैं, या जिन या छोटे, एकदम छोटे जो वुंड हैं जिनके अंदर आपके इन्फेक्शन का चांस कम है, आपके ब्लीडिंग का चांस कम है, उसके वुंड एजेस पास पास में है, उसमें अपन बोलते हैं प्राइमरी इंटेंशन। ठीक है, समझ में आ गया। सेकेंडरी इंटेंशन क्या है, सेकेंडरी इंटेंशन का मतलब है कि कोई ऐसा वुंड जिसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन का चांस है, ठीक है, थोड़ी सी ब्लीडिंग भी ज्यादा है, उसके वुंड एजेस भी थोड़े दूर दूर है, ऐसा किस कंडीशन में होगा, ऐसा आपके कंडीशन में होगा अल्सर में, डेक्यूबाइटिस अल्सर में। तो इसका जो मेन एग्जांपल है वो आपके क्या है, डेक्यूबाइटिस अल्सर। तो डेक्यूबाइटिस अल्सर में अगर आपको कभी भी पूछ ले कि डेक्यूबाइटिस अल्सर में जो वुंड हीलिंग होती है वो कौन से टाइप का इंटेंशन है, वो किस टाइप की वुंड हीलिंग है, तो आप क्या कहोगे, सेकेंडरी। क्लियर, चलिए तीसरा क्या होता है आपके, टर्शरी। टर्शरी में क्या होता है, टर्शरी में आपके ऐसे वुंड जिनसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जिनके वुंड एजेस बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, इन्फेक्शन का चांस जिसमें बहुत ज्यादा है, और ऐसे वुंड को अपन एक मास सर्जरी से ही ठीक कर सकते, किस टाइप के जो वुंड होते हैं उनकी जो हीलिंग होती है वो किस टाइप से होती है, टर्शरी टाइप से। इसमें याद रखने वाली आपकी दो ही चीजें, मैं चाहूँ तो इसमें आपको 5 या 10 रट के एग्जाम्पल दे दूं, बट आप याद रखने वाली दो ही चीजें हैं,
कि प्राइमरी टाइप का जो इंटेंशन है वो किस में होता है, सर्जिकली वुंड में, एंड सेकेंडरी टाइप का जो मेनली होता है वो किस में होता है, अल्सर में। क्लियर। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा था डेक्यूबाइटिस अल्सर का, बाकी तो सारी है बकवास। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा सेकेंडरी इंटेंशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेब्राइडमेंट इन्वॉल्व्स इंट्रोडक्शन ऑफ लाइव मैगोट्स इनटू द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द वुंड फॉर द पर्पज ऑफ क्लीनिंग द नेक्रोटिक टिश्यू। क्या पूछा है आपको, पूछा है डेब्राइडमेंट के बारे में। ठीक है, एक बार इसको क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, चलो मैंने जल्दी बता दिया, एक बार अपन पढ़ के देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेब्राइडमेंट, मतलब कौन से डेब्राइडमेंट में आप इंट्रोडक्शन ऑफ लाइव मैगोट, आप जो मैगोट्स हैं उनको आप डाल रहे हो सॉफ्ट टिश्यू में, इसके लिए ताकि जो भी नेक्रोटिक टिश्यू हैं उनको क्लीन कर सको। तो देखो इसमें अपन क्या बात करते हैं, इसमें अपन थोड़ी सी बात करते हैं, चलिए इसमें अब हम क्या बात करते हैं, अपन ने बात की डेब्राइडमेंट, ये डेब्राइडमेंट क्या बला है, डेब्राइडमेंट क्या चीज है। देखो डेब्राइडमेंट क्या होता है कि आपके कहीं पर भी वुंड हुआ, ठीक है, इसके बाद में वहां पर जो भी नेक्रोटाइज टिश्यू है, नेक्रोटाइज का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी सेल, दो चीजें होती है, एक होता है नेक्रोटाइजेशन, ठीक है, या आप बोल तो नेक्रोटिक, ठीक है, और एक होता है आपके एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है, नेक्रोसिस में तो नेचुरली अगर किसी सेल की डेथ हो रही है, नेचुरली अगर किसी सेल की डेथ हो रही है तो उसको अपन बोलते हैं डेब्राइडमेंट। बट अगर आर्टिफिशियली, अगर आप लाइक कीमोथेरेपी से, रेडिएशन थेरेपी से अगर सेल को डेड कर रहे हो, देन उसको हम क्या बोलेंगे, अपोप्टोसिस। देन उसको हम क्या बोलेंगे, अपोप्टोसिस। तो ए मीन्स आर्टिफिशियल और एन मीन्स नेचुरल, ठीक है, याद रहेगी। अब देखो अपोप्टोसिस में मेनली क्या होता है, सॉरी डेब्राइडमेंट में मेनली क्या होता है कि जो आपका डेब्राइडमेंट होता है, डेब्राइडमेंट का मतलब है कि क्या कर रहे हो आप, क्लीन कर रहे हो नेक्रोटिक सेल को, ठीक है, जो सेल मर चुकी है उनको हटाओ। तो वो आप कैसे हटा सकते हो, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला टाइप होता है आपके ऑटोलाइटिक, पहला टाइप आपके क्या होता है, ऑटोलाइटिक, ठीक है। सेकंड टाइप आपके क्या होता है, पहला हो गया ऑटोलाइटिक, सेकंड आपके होता है बायोलॉजिकल, तीसरा इसमें होता है एंजाइमेटिक, क्या चीज, एंजाइमेटिक, एंड चौथा आपके कौन सा होता है, चौथा आपके इसमें जो होता है वो आपके होता है कौन सा बताओ, ऑटोलाइटिक, बायोलॉजिकल, एंजाइमेटिक, चौथा आपके होता है मैकेनिकल, ठीक है। अब देखो ऑटोलाइटिक में क्या होता है आपके, ऑटोलाइटिक का क्या मतलब है कि आपने वहां पे एक ऐसा मोइस्ट इन्वायरमेंट तैयार कर दिया, क्या तैयार कर दिया, मोइस्ट इन्वायरमेंट तैयार कर दिया, तो उसकी वजह से वहां पे क्या होते हैं, जो आपके अंदर के वहां के जो ऑटो, जो आपके ऑटोलाइटिक एंजाइम है वो आपके क्या करेंगे, वहां की जो डेड सेल है उनको रिमूव कर देंगे। सो वहां पर एक फेवरेबल एनवायरनमेंट तैयार करना क्या कहलाता है, आपके ऑटोलाइटिक डेब्राइडमेंट। बायोलॉजिकल डेब्राइडमेंट में क्या होता है कि आपने, जैसे अपन ने क्वेश्चन में पूछा गया था, आपने अंदर मेगोट डाल दिए, ये मेगोट क्या करते हैं, ये मेगोट आपके वहां की जो भी डेड सेल होती है उनको डिस्ट्रक्ट कर देंगे, स्वालो कर लेंगे, ठीक है। तो मेगोट थेरेपी भी होती है, आपने देखा होगा, जस्ट लाइक लीच थेरेपी होती है, जैसे मेगोट थेरेपी होती है, जो ये जो भी डेड सेल होती है उसके आपको क्या कर देती है, स्वालो कर लेती है।
तो ये आपके होगी बायोलॉजिकल। एंजाइमेटिक में क्या हो गया कि आपने बाहर से अपने एंजाइम डाल दिए, ठीक है, बाहर से आपने एंजाइम डाल दिए, तो वो एंजाइम जाके उनको फिर उनका जो सेल डेड सेल हैं उनका लाइसिस कर देंगे, उनको तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। और मैकेनिकली तो क्या हुआ, आप गए, आपने उठाया एक इंस्ट्रूमेंट, गए उसको कुचेर कुचेर के, रगड़ रगड़ के क्लीन कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये आपके हो गया डिब्राइडमेंट। आगे बात करते हैं हम अपना अगले, तो इस क्वेश्चन का क्या होगा कि मेगोट अगर आप डाल रहे हो तो नॉर्मली सी चीज है, क्या होगा, बायोलॉजिकल डिब्राइडमेंट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि ड्राई गैंग्रीन कॉमनली अकर्स ड्यू टू, कि जो ड्राई गैंग्रीन है वो किसकी वजह से होते हैं। दो टाइप के गैंग्रीन होते हैं अगर मैं बात करूं तो, चलिए इसी में देख लेते हैं। ड्राई मेनली जो होते हैं वो आपके दो टाइप के गैंग्रीन होते हैं। कौन कौन से गैंग्रीन, एक ड्राई गैंग्रीन, एक वेट गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन आपके कहाँ होते हैं, मेनली लोअर लिम्स में, ठीक है, और वेट गैंग्रीन आपके कहाँ होते हैं, बोवल में। बोवल बोले तो इंटेस्टाइन, बोवल बोले तो इंटेस्टाइन, एक चलिए, बोवल बोले तो इंटेस्टाइन। तो जो ड्राई गैंग्रीन होता है वो लोअर लिम्स में होगा। लोअर लिम्स में कैसे होगा कि लोअर लिम्स में आप ऐसे याद रखना ड्राई गैंग्रीन को, आपके जो पैर हैं, ठीक है, सबसे ब्लड सप्लाई आपके कहाँ होती है, पैरों में होती है सबसे कम ब्लड सप्लाई, क्योंकि आपकी बॉडी का सबसे दूर का जो रिश्तेदार है वो कौन है, लोअर लिम्स है, ठीक है, आपका फुट है। तो याद रखना अगर वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो तभी तो वहां पे सूखा सूखा रहेगा, जब सप्लाई नहीं होती किसी चीज की तो वहां पे क्या रहता है, सब सूखा सूखा रहता है, ठीक है। तो जो ड्राई गैंग्रीन है वो कहाँ होता है, लोअर लिम्स में होता है, बस ये याद रखना। और वेट गैंग्रीन सबसे ज्यादा गीला गीला कहाँ, खाते पीते कहाँ, पेट में खाते पीते रहते हो ना, तो आपके जो वेट गैंग्रीन है वो होता है आपकी बोवल में, इंटेस्टाइन, ठीक है। चलिए मैकेनिज्म याद रखना कि तो ड्राई गैंग्रीन है लोअर लिम्स है, तो लोअर लिम्स में क्या होता है, लोअर लिम्स में आपके मेनली होगा आर्टेरियल ओक्लूजन की वजह से। आर्टेरियल ओक्लूजन मतलब क्या है कि वहां पे आपकी जो आर्टरी है, आपकी जो ब्लड आर्टरी है वो आपके वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही है, ठीक है। आर्टरी अगर ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही है, क्यों नहीं सप्लाई कर पा रही है, कि या तो उसमें कोई पार्शियल ओक्लूजन हो गया है या उसमें क्या हो गया है, कंप्लीट ओक्लूजन। ओक्लूजन का मतलब ब्लॉकेज, ओक्लूजन का मतलब क्या, ब्लॉकेज। तो अगर वहां पे ब्लॉकेज हो गया है आर्टरी में तो आपके हो सकता है ड्राई गैंग्रीन, ठीक है। तो ड्राई गैंग्रीन का मतलब क्या, ड्राई का नाम ही आ गया, तो ड्राई का मतलब है कि सूखा, सूखा में क्या हो गया, वहां जहां भी गैंग्रीन हुआ है वो जगह एकदम श्रंक हो जाएगी, आपके ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं कि अगर वहां पे सूखा है, कुछ है ही नहीं, तो वहां बैक्टीरिया क्यों आएंगे, ड्राई गैंग्रीन में जब वहां पे कुछ है ही नहीं तो बैक्टीरिया क्यों आएंगे, जब बैक्टीरिया नहीं आए तो वहां पे क्या होगा, इतना इन्फेक्शन का चांस नहीं रहेगा, और जब इतना इन्फेक्शन का चांस नहीं है तो वहां पे उसके ठीक होने का जो चांस है वो ज्यादा है, क्योंकि ठीक होने का चांस कब नहीं होता, कि वहां पे आपके बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, जैसे ही थोड़ा बहुत सही हुआ वापस इन्फेक्शन हो गया, जैसे थोड़ा और सही हुआ और वापस इन्फेक्शन हो गया, तो अगर वहां पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो उसके सही होने का चांस भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये आपके ड्राई गैंग्रीन है, इसका बिल्कुल उल्टा क्या हो जाएगा वेट गैंग्रीन में, वेट मतलब गीला, और सबसे गीला गीला कहाँ, आपके बोवल में, और अगर बोवल में गीला गीला है तो बोवल में मेनली किसकी वजह से, वेनस ओक्लूजन की, आपकी जो वेनस ड्रेनेज है उसके ओक्लूजन की वजह से। और वेट है मतलब गीला है, मोइस्ट है, क्योंकि गीला है तो मोइस्ट होगा और स्वोलन होगा, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं वहां पे जो बैक्टीरिया है वो भी ज्यादा होंगे, क्योंकि तो बैक्टीरिया को जहां ज्यादा पानी मिलेगा, जहां भरा भरा दिखेगा वहीं जाएंगे, तो वहां बैक्टीरिया ज्यादा होंगे, इन्फेक्शन का चांस ज्यादा है, और अगर इन्फेक्शन का चांस ज्यादा है तो वहां पे इन्फेक्शन का चांस ज्यादा है तो उसका जो प्रोग्नोसिस है वो भी क्या होगा, वर्स्ट होगा, वो पुअर होगा, ठीक है। चलिए अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं,
तो जो ड्राई गेंग्रीन है उसके दो एग्जाम्पल मैं आपको मोटा मोटा बताऊं। एक तो आप याद रखना बर्जर्स डिजीज, ठीक है, बर्गर डिजीज, और एक आपके कौन सी रोनाल्डो डिजीज, एक आपके कौन सी रोनाल्डो डिजीज। तो बोले तो रोनाल्डो कम रेनोल्ड्स डिजीज, ठीक है। बर्गर डिजीज और रेनोल्ड डिजीज में क्या होता है, रेनोल्ड डिजीज मेनली किन लोगों में होती है, जो ज्यादातर जो ठंड वगैरह में, आइस वगैरह में रहते हैं ना, ठंडे इलाकों में, उनमें क्या होता है कि ठंड की वजह से जो उनकी फिंगर्स होती हैं वहां पे क्या होता है, क्योंकि ठंड होगी तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो उनकी जो हैंड की फिंगर वगैरह रहती है उनमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, और जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, वहां पे आपको साइनोसिस देखने को मिलेगा। ये होती है रेनोल्ड डिजीज, क्लियर। सेकंड आपके क्या है, बर्गर डिजीज। बर्गर डिजीज में क्या होता है कि जैसे बर्गर होता है ना कि ऊपर भी पाव, बर्गर में क्या होता है कि ये जस्ट इन दोनों को आप मान लो, ये तो आपकी क्या है ब्लड वेसल की वाल है, आपकी जो वेसल है उसकी दोनों दीवारें हैं, और बीच में ये क्या है, ये जगह है जहां से ब्लड बहता है, ठीक है। तो अगर ये दीवारें हो गई मोटी, ठीक है, बीच की जगह हो गई कम, तो यही तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो बर्गर डिजीज में यही होता है कि आपकी जो वास्कुलर ओक्लूजन होता है, ठीक है, इसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। तो इन दोनों की वजह से, चाहे रेनोल्ड डिजीज हो चाहे आपके बर्जर डिजीज हो, इन दोनों की वजह से क्या होता है, ड्राई गैंग्रीन, क्योंकि वहां पे सप्लाई नहीं मिल रही है तो सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर दूसरी में